यानी साधना के दौरान निद्रा, मदमाश, मैथुन, दुराचार आदि से परहेज नहीं करते, तब भी साबर मंत्रों की सिद्धियां प्राप्त हो जाती थी। इस्माइल लोना को देखकर आसक्त हो गए लोना के पास अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में इसके अलावा कुछ और देने के लिए था ही क्या। लोना तंत्र विधा प्राप्ति के लिए अपने गुरु इस्माइल जोगी को संभोग के लिए सौंप दिया। इस्माइल जोगी लोना के शरीर का भोग करते ही तंत्र विद्या देना प्रारंभ किया। इस्माइल जोगी बहुत बड़े सिद्ध तांत्रिक थे, लेकिन उनके पास ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं था जिससे वह तंत्र साधना में उस गति को प्राप्त कर सके, जिस गति को लोना अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में यौन सुख से तृप्त कर धीरे धीरे संपूर्ण तंत्र विद्या प्राप्त कर ली। इसी पर एक कहावत है, गुरु गुड़ ही रह गया चेलिन चीनी हो गई लोना चमारीन। अपने गुरु इस्माइल जोगी से भी अधिक तांत्रिक सिद्ध हो गई, फिर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा से संतुष्ट कर आशीर्वाद लिया और फिर चली गई पंजाब। पंजाब जाते ही अपने ऊपर हुए अत्याचार का प्रतिशोध लेना और हुआ भी वैसा ही। 11 ठाकुर के परिवार को लोना ने अपने तंत्र मंत्र से मौत के घाट उतार दिया। ठाकुरों के घर को शमशान में बदल दिया और लोना चमारीन का प्रतिशोध पूरा हुआ। आपको बता दें कि आज के दिनों में जो लोग तंत्र मंत्र साधना करते हैं वो लोग लोना चमारीन का ही साबर मंत्र को पूछते हैं। आपको पता होगा लोना चमारीन को तंत्र साधना में महारत हासिल थी।